कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जब हम लोगों को वर्क सर्टिफाइड निकालना होता है ना, उसके सामने हम लोग उसको 100 मान लेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो 100 है, जो वर्क सर्टिफाइड है उसको हम लोग को निकालना रहेगा। तो क्या होगा, जो इसका ऐसे इंटू कर देने का, इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे, तो जो भी ये रहेगा इंटू 100 और ये जो है डिवाइड में आ जाएगा, मतलब समझ लो वर्क 100 डिवाइड बाय जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। ठीक है, इजी पड़ेगा आपको, हर बार यही सेम फॉलो करोगे तो आसानी से आ जाएगा। अगर 0 to 25% है तो नील, 25% टू अप टू 50%, मतलब बराबर भी हो सकता है, 50% तक अगर आया तो 1/3 नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड, CW पहले आता है ना, इसलिए सी ऊपर आएगा, W बाद में आता है, W नीचे आएगा, याद रखना। उसके बाद 50% या फिर 90% तक, अप टू 90% अगर रहा तो क्या आएगा, 2/3 नोशनल प्रॉफिट कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड, कैश जितना आया है और वर्क सर्टिफाइड। इसमें भी ये देखो, सी पहले ऊपर आता है, डब्ल्यू नीचे आता है, याद रखोगे सी पहले आता है जैसे ऊपर, डब्ल्यू बाद में आता है, डब्ल्यू नीचे। 90% ऑफ या फिर उसे नियर टू कंप्लीशन आता तो क्या आएगा, एस्टिमेट प्रॉफिट, तब हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं कि मतलब मान सकते हैं कितना हम लोग को प्रॉफिट होगा, इसलिए इसको एस्टिमेटेड प्रॉफिट बोल दिया। ठीक है, कैश रिसीव अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और अगर 100% वर्क सर्टिफाइड होगा, खत्म हो गया पूरा, तो इंटायर प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, सो लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय फॉर्मेट के लिए नेक्स्ट वीडियो। फॉर्मेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग, फॉर्मेट देखते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट लिखेंगे। तो इधर पे ये जो ये वाला साइड है, ये कभी आएगा जब हम लोग का सेकेंड ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो फर्स्ट ईयर में नहीं आता है, कभी भी नहीं आएगा। क्या आएगा फर्स्ट ईयर में, मटेरियल आएगा, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इंडायरेक्ट, ये सारे में आएगा, कितना भी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है सब में आएगा। और इधर पे दो मेथड होता है, कैपिटल मेथड और एक्सपेंस मेथड। कैपिटल मेथड बोला है तभी सॉल्व करना है, अदरवाइज डेप्रिसिएशन मेथड करना है। जितना मतलब एक साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो पूरा इसमें जितना भी परसेंट, अगर 20% डेप्रिसिएशन बोला प्लान पे 20% डेप्रिसिएशन निकाल के लिख दो। अदरवाइज अगर बोला है कि 3 महीने के लिए है, मतलब 3 मंथ ही लिखा हुआ, तो 3 महीने का जो भी प्लान का अमाउंट होगा ऐसे करके 20% और फिर 3/12 करके उसको निकाल देंगे। ठीक है, और फिर इस साइड आएंगे तो ये वर्क इन प्रोग्रेस, अगले ईयर में जब ही जाएंगे तब उसके लिए है, अभी के लिए इधर नहीं लिखना है। फिर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल, उधर पे दिया होगा। सेल ऑफ स्क्रैप, अगर कभी भी स्क्रैप को सेल करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है, और ये फिक्स्ड है, इतना तो हमेशा ही आता है। फिर जो भी इधर पे नोशनल प्रॉफिट आया वो इस साइड ट्रांसफ़र होगा, फिर ये नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफ़र होता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में और वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में, वो हमने जो फॉर्मेट किया हुआ है उसको उसके हिसाब से ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये पहले साल में नहीं आता है कभी भी, ये कभी आएगा दूसरे साल में आएगा और तीसरे साल में आएगा। ये किधर का है, ये वाला जो रहता है ना पहले साल का, वो दूसरे साल में ऐसा ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, और इधर का जो WIP में जो भी ट्रांसफ़र हुआ है वो जाके इधर पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, सो फोटो लेना तो ले सकते हो, ये एस्टिमेट वाला पूरा वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, और ये कुछ फॉर्मूलास उससे रिलेटेड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।